एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। आज की वीडियो में हम कुछ प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करेंगे और उस पर मैं दूंगी अपना जेन्युइन फीडबैक उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद भी। थैंक्स टू ट्रेलीज ब्लिस फॉर स्पॉन्सरिंग टूडेज वीडियो। trelliesblissindia.com वेबसाइट है उनकी, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भेजे हैं तो आज हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे इसमें क्या है। और कुछ गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम यूज़ भी करेंगे और उनके प्रोडक्ट्स कैसा परफॉर्म करते हैं कुछ दिनों के बाद उसका मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले मैं जल्दी जल्दी से ये सारे प्रोडक्ट्स निकाल लेती हूँ बॉक्स से, फिर हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जैसा कि देखा आपने कितने सारे प्रोडक्ट्स भेजे हैं इन्होंने, तो आप इसकी पैकेजिंग से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100% नेचुरल या मैं कहूँ कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको ट्रेलीज ब्लिस के बारे में नहीं मालूम है तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं। ट्रेलीज ब्लिस ट्रेलीज हॉर्टिकल्चर इंटरनेशनल कंपनी का ही एक पार्ट है और ये हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स की ग्लोबली सप्लाई करते हैं एंड दे प्राइमरली डील विद कॉयर प्रोडक्ट्स। और सबसे खास बात ये है कि इनके लगभग सारे ही प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, इको फ्रेंडली हैं और कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि नेचुरल रॉ मटेरियल से ही बने हैं। मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ट्रेलीज ब्लिस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनकी वेबसाइट है trelliesblissindia.com। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इनकी वेबसाइट पे, तो ये सेल करते हैं पॉटिंग सॉइल, ग्रो बैग्स, प्लांट एसेसरीज, ग्रोथ प्रमोटर्स और प्लांटर्स, और ये सारे ही प्रोडक्ट्स नेचुरल रॉ मटेरियल से बने हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स भेजे इन्होंने, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनका क्या यूज़ है, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहला प्रोडक्ट खोल लेते हैं जो है टोमेटो ग्रो बैग। जूट से बने हुए बैग हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साइज़ है। नेक्स्ट बैग है हमारा पोटैटो ग्रो बैग। काफ़ी अच्छा साइज़ है ग्रो बैग्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं। और चूंकि अभी पोटैटोज़ ग्रो करने का सीज़न निकल चुका है तो डेफिनेटली मैं इसको नेक्स्ट सीज़न में यूज़ करूंगी पोटैटोज़ ग्रो करने के लिए। और ये आप फ्रंट में देख सकते हैं वेलक्रो से इसको अटैच कर रखा है हार्वेस्टिंग के लिए, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं पोटैटोज़। जब आपका रेडी हो जाए पोटैटो तो आपको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा भी निकाल सकते हैं जितना ज़रूरी हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा टेबल टॉप प्लांटर जो बना है बैम्बू से और उसके ऊपर लगा हुआ है कॉयर का एक लेयर जिसमें आप डायरेक्ट प्लांट लगा सकते हैं। कॉयर चूंकि बहुत अच्छी तरीके से पानी सोक करेगा तो आपको फ्रीक्वेंटली इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मॉइस्ट रहेगा सॉइल आपका। और इस पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है और ये हैंडमेड है, हैंड क्राफ्टेड है, तो बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है ये। आप इसको अपने लिविंग रूम पे या कहीं पे रख सकते हैं, इस पे कोई इंडोर प्लांट लगाएं और बहुत खूबसूरत दिखेगा ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वर्मी कंपोस्ट जो है 5 kg का बैग और इस पे डायरेक्शंस फॉर यूज़ भी दिया हुआ है, मतलब किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो भी इस पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा गार्डन सॉइल, ये भी 5 kg का बैग है और इस बैग के ऊपर भी डायरेक्शंस फॉर यूज़ लिखा हुआ है, इसको आपको कैसे यूज़ करना है। खास बात यह है कि बहुत ही लाइट वेट है बैग, मतलब हमारा पॉटिंग मिक्स बहुत सॉफ्ट फ्लफी और एयरी है, इसमें परलाइट वगैरह भी मिक्स है जो देखकर के ही लगता है कि हमारा पॉटिंग मिक्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इसमें कुछ और मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे नीम ऑयल और सीवीड एक्सट्रैक्ट, इनके ऊपर भी डायरेक्शंस फॉर यूज़ लिखा हुआ है। आइए अब अपना लास्ट प्रोडक्ट एच टाइप ट्रेलीज को ओपन करते हैं।
इस तरह की ट्रेलीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्रीपर को या फिर क्लाइंबर को सपोर्ट देने के लिए। जैसे अगर आप बीन्स का पौधा उगा रहे हैं या कोई फ्लावरिंग क्रीपर है जो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो आप इस तरह की ट्रेलीज़ का यूज़ कर सकते हैं और अपने क्रीपर को या अपने क्लाइंबर को सपोर्ट दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं होने जा रहा है, तो मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ भी करूँगी और उसके रिजल्ट्स के साथ मैं आपको 2 वीक के बाद कैसा दिखता है, कैसा परफॉर्म करते हैं प्लांट्स, वो मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ। तो आइए सबसे पहले यूज़ करते हैं नीम ऑयल, और इस पर डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं कि आपको 5 ml नीम ऑयल यूज़ करना है 1 लीटर पानी में। उसको अच्छे से मिक्स करें और वो रेडी है स्प्रे करने के लिए। तो इसका यूज़ मैं करूँगी अपने अरीका पाम पे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टेम्स, लीव्स, सब जगह ये हैवीली इन्फेक्टेड है, सफ़ेद कलर के कुछ कीड़े लगे हुए हैं। तो मैं इसको 2 वीक में 2 बार यूज़ करूँगी, अच्छे से स्प्रे करूँगी, फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। चलिए अब नेक्स्ट यूज़ करके देखते हैं हम गार्डन सॉयल, या मैं कहूँ पॉटिंग मिक्स। मुझे ये बहुत पसंद आया। एक तो ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल हैवी नहीं है, फ्लफ़ी है, जिससे होगा क्या, रूट्स हमारी बहुत अच्छे से स्प्रेड कर सकेंगी। और आप देख सकते हैं इसमें परलाइट भी मिक्स है, तो मतलब ये कम्प्लीट पॉटिंग मिक्स है, आपको कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बैम्बू प्लांटर बहुत पसंद आया, तो मैं सोच रही हूँ इसमें मनी प्लांट लगा देती हूँ, अच्छे से ग्रो करेगा तो इसको मैं अंदर रख सकती हूँ। तो ये रहा मेरे मनी प्लांट का पौधा जो मैं इसमें लगाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं किस कंडीशन में है। लगाने के बाद मैं इसमें नॉर्मल वाटरिंग करूँगी, कुछ और इसमें ऐड नहीं करूँगी, और फिर हम 2 हफ्ते के बाद देखेंगे इसमें कुछ ग्रोथ नज़र आती है या नहीं। इस बैम्बू बास्केट की एक खास बात मुझे ये लगी कि इसमें चूँकि कॉयर की लेयरिंग हुई है, जिसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंट वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाटर को होल्ड रखेगा, मॉइस्चर को बनाए रखेगा। दूसरी बात, इस लेयरिंग की वजह से हमारा बास्केट भी खराब नहीं होगा। तो अब 2 वीक्स हो चुके हैं, हमने 2 वीक तक टेस्ट किया पॉटिंग मिक्स में, नए पॉटिंग मिक्स में प्लांट को लगा करके, और हमने यूज़ किया नीम ऑयल। तो अब मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाने वाली हूँ, नीम ऑयल का क्या फ़र्क पड़ा। 2 वीक में मैंने सिर्फ 2 ही बार यूज़ किया है, और पॉटिंग मिक्स यूज़ करने के बाद, जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं उसमें सिर्फ रेगुलर वाटरिंग करूंगी और कुछ ऐड नहीं करूंगी, तो मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं अरीका पाम की कंडीशन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड था ये वाइट फ्लाइज से। तो पहले मैं आपको नीचे की तरफ से दिखाती हूँ, देखिए आप यहाँ पे पूरा वाइट कवर्ड था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है यहाँ पर। इधर से तो पूरा वाइट स्पॉट गायब हो चुका है। और मैंने इसको कैसे यूज़ किया था, मैंने दिखाया आपको, स्प्रे किया था वीकली 1 बार स्प्रे किया था, और 1-2 घंटे छोड़ने के बाद मैंने पाइप से फोर्स से पानी से स्प्रे किया था, सिर्फ पानी से। अब मैं आपको ऊपर पत्तों की तरफ दिखाती हूँ, मैंने पूरे पौधे पे किया था स्प्रे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। देखिए बिल्कुल भरा हुआ था ये सफ़ेद कीड़ों से, फ्लाइज से, और आप देख सकते हैं कुछ ही दिख रहा है। ये वाला जो पत्ता था ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड था, और आपको रिजल्ट सामने दिख रहा है, कुछ ही फ्लाइज इसमें या कीड़े कुछ दिख रहे हैं। आई थिंक अगर हम इसको वीकली 2 बार यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी पत्ते भी दिखा देती हूँ मैं। यूजली मैं क्या करती हूँ, अगर इस तरीके का कोई इन्फेस्टेशन होता है मेरे प्लांट में, तो मैं पूरी पत्ती या पूरे स्टेम को ही कट करके अलग कर देती हूँ, जिससे वो फर्दर ना फैले, बाकी पूरे प्लांट को स्पॉइल ना करे। लेकिन इस केस में चूँकि हमें टेस्ट भी करना था कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं बहुत कम ही कीड़े लगे हुए हैं, तो वीकली 2 बार यूज़ करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं जो हमने मनी प्लांट का पौधा केन बास्केट में, बैम्बू बास्केट में लगाया था, उसकी क्या कंडीशन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्लांट बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और जैसे मैंने पहले बोला सिर्फ मैंने इसमें रेगुलर वाटरिंग करी है, कुछ और इसमें ऐड नहीं किया है, कोई फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया, कुछ भी एक्स्ट्रा केयर नहीं की, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है।
और ये जो दो स्टेम्स आपने पहले देखी थी उसमें भी कई नई पत्तियां आ गई हैं और ग्रोथ अच्छी दिख रही है। तो ये था रिजल्ट हमारे नीम ऑयल का और जो गार्डन सॉइल था, जो बेसिकली पॉटिंग मिक्स है, रिच पॉटिंग मिक्स बोलूंगी मैं उसे, कैसा रिजल्ट आया उसका 2 वीक के बाद। अब आप सोच रहे होंगे मैंने वर्मी कंपोस्ट और सी वीड एक्सट्रैक्ट का नहीं दिखाया कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चूंकि अभी विंटर्स हैं या मैं कहूँ फॉल है या ऑटम सीजन है, इस सीजन में फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी प्लांट हो, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट्स हों या बात हम करें ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, इस वक्त आपको किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। विंटर में प्लांट्स थोड़ा सा डोरमेंसी पीरियड में होते हैं, तो हम इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे फरवरी में और मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी इसकी परफॉर्मेंस। तो अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मैं कंपनी की वेबसाइट और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और मेरा तो फीडबैक काफ़ी अच्छा था, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखे, तो मैं फ्यूचर में डेफिनेटली प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने वाली हूँ। आज के लिए यही था, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।